जय श्री राम दोस्तों वी के मोबाइल वर्क में आप सभी का स्वागत है कैसे आप सब आशा करता करते बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमारे पास एक रेडमी का आया हुआ है एम आई का फ़ोन है आप देख पा रहे होंगे ये और इसमें देखिए हमारे पास वाटर डैमेज है बिल्कुल पानी में गिर गया है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है और इसकी स्थिति आप देख सकते हैं अभी ये ऑन भी नहीं हो रहा है तो अगर आपके सामने वैसी कोई कंडीशन आ जाए अगर आपका मोबाइल भी पानी में गिर जाता है तो आपको मैं पहले सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ आप अपने आसपास पास की कोई दुकान पे जाइए अगर आपका टच का फ़ोन है तो आप अपने आसपास किसी दुकान पे चले जाइए वर्कशॉप पर और जा कर के तुरंत उस मोबाइल को खुलवा करके उसको एयर से और थिनर वगैरह से अच्छे से साफ़ क्लीन करवा लीजिए साफ़ करवा लीजिए वरना आपकी जो पी सी होती है अंदर का जो कॉम्पोनेंट्स वगैरह होते हैं मद्रबोड होता है वो आपका गलना स्टार्ट हो जाता है उस पर कार्बन वगैरह लग जाता है जिसकी वजह से ऑन नहीं होता हमारा मोबाइल तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसमें भी सेम कंडीशन है यह आपको हमें खोलना होगा और आपको भी इस दिक्कत का पूरा यहाँ पर फेस करनी पड़ जाएगी अगर आपको मोबाइल भी ऐसे पानी वगैरह में गिर जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमें करना क्या होगा हमारे पास कस्टमर का आया हुआ था हमने इसे थोड़ा वक्त मांगा और ये हमें इसको वीडियो वगैरह बनानी थी तो हमने आपको इसकी वीडियो बना करके दिखा दिए तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इसको हीट कर रहा हूँ यहाँ से इसका बैक कवर मुझको निकालना होगा क्योंकि कंच का होता है इसका तो थोड़ा ध्यान से निकालना होगा तो यहाँ पर इसको 85 डिग्री सेल्सियस पे मशीन को हीट करना होगा और इसको ऊपर रख करके मैं इसको गर्म करूँगा तो बहुत सिंपल होता है इसको निकाल करके मैंने पहले भी इसके ऐसे मोबाइल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है पानी में गिर जाता है मोबाइल तो आप उसको किस तरह से रिपेयर करोगे और किस तरह से ठीक करोगे क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है अगर आपका पानी में गिर जाता है मोबाइल वगैरह तो आपके फ़ोन में दिक्कत हो जाती है कुछ ना कुछ या तो ऑन नहीं होता है या फिर अगर ऑन भी हो जाता है तो आप क्या करते हो कि जैसे कॉल वगैरह कर रहे हो या फिर आप मोबाइल चला रहे हो चलता चलता बंद हो गया ओवर हीट वग़ैरह बहुत सी दिक्कतें आ जाती है आपको दिक्कत वो है, फेस करनी पड़ती है तो इसी के लिए इस आपको सबसे आसान तरीका इस वीडियो में मिल जाएगा आप इसको घर बैठे आराम से भी कर सकते हो अगर आपके पास ये सारे सिस्टम अगर सामान है तो जैसे अदरवाइज अलग सामान सामानी पर तो कोई दिक्कत नहीं वरना आप किसी अपने आस पास वर्कशॉप पर चले जाइए वहाँ पर मोबाइल के आप वहाँ पर जा के अपना फ़ोन रिपेयर करा सकते हैं ज़्यादा नहीं वो अपने डेढ़ सौ दो सौ रुपये मिनिमम तो लेगा सौ रुपये ज़दतर तो आपसे ले गए अपने सर्विस चार्ज क्योंकि खुलने में सफ़ाई वगैरह और इसमें रिक्स भी रहेगा आपका मोबाइल रिक्स एक परसेंट आपको रिक्स देगा उसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि मोबाइल आपका बिल्कुल ओके होगा जो भी होगा आपको वो एक परसेंट रिक्स दे देगा ठीक है तो चलिए यहाँ पर आप दे सकते हैं अभी हमारा मोबाइल जो है वो बिल्कुल हीट हो चुका है तो इसको यहाँ पर अभी हम ओपन करेंगे उसको ओपन करने के लिए हम अपने कैमरे वगैरह को सेट कर लेते हैं यहाँ पर और फ़ोन को साइड में रख लेते हैं तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमारा जो मोबाइल है वो हीट हो चुका है और इसका जो बैक कवर है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार देखिए इस मैं किस तरह से निकालूँगा ये देखिए यहाँ से मैं अपने नखून की मदद से ये देखिए आराम से इसको निकाल लूँ चाहे तो आप एक मोटर वाइंडिंग पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो या फिर गिलास के ऊपर जो एक कवर आता है उसका भी लेकिन मेरे यहाँ से आराम से निकल चुका है बैक कवर मोबाइल का आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पर मॉइस्चर कितना आया हुआ है, देखे है। देखे आप देख पा रहे होंगे देखिए सारा मॉइस्चर आया हुआ है यानी कि इसका जो पानी है मोबाइल के अंदर जो पानी गया हुआ है वो देखिए ये रहा ये पानी इसके अंदर तक चला गया है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हमारा स्पीकर का नीचे वाला पोर्सन है ये ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये देखिए यहाँ भी पानी गया हुआ है ये देखिए तो इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे दोस्तों और आपको अभी हम मैंने शुरू में दिखाई दिया मोबाइल हमारा जो है ऑन नहीं हो रहा है ज़्यादातर क्या होता है जब हमारा पानी में चला जाता है और जिस कस्टमर का मोबाइल था वो बोल रहा था कि सर मेरा मोबाइल पानी में गिर गया था और इसको सुबह के टाइम गिर गया था मैंने नाज में रख दिया चावल में कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि कोई कनक वगैरह में नाज में रख देता है इसको अन्न के अंदर और कोई चावल वगैरह में रख देता है तो ऐसे कुछ नहीं होता है आप चाहे किसी चीज़ में रख लीजिए पानी एक बार अगर, अगर अंदर चला जाता है तो वो नहीं सूखता है जब तक उसको मोबाइल को आप ओपन करके अच्छे से सुखाओगे नहीं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभी मैं इसके स्क्रू वगैरह सारे खोल करके आपको दिखाऊंगा अंदर की कंडीशन क्या होगी क्योंकि अभी तो हमारा जो फ़ोन है ये बिल्कुल फुल पैक है ठीक है यहाँ पर अभी इसको हम पूरा ओपन कर लेते हैं यहाँ पर उसके जो इतने भी स्क्रूज़ वगैरह है यहाँ पर ढक्कन वगैरह इसके सारे रिमूव कर लेंगे ध्यान रहे आपके जो फिंगरप्रिंट्स का पत्ता है ये ना सावधानी से करना है आपको ये देखिए यहाँ पर अभी मैं इसको खोल लेता हूँ खोलने के बाद मैं आपको इसमें दिखाऊँगा कि इसके अंदर एक कंडीशन क्या है तो दोस्तों अगर आप भी वैसे फ्री में काम सीखना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती है और काफ़ी दिन से यार वीडियो भी नहीं आती थोड़ी दिक्कत चल रही है इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा रेगुलर लेकिन अब कल से हमारी चैनल पर दोनों चैनल पर रेगुलर वीडियो आएगी ऐसे के लोग उफल पर भी आप वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का भी फ्री में काम सीख सकते हैं एल ई का और होम थिएटर वगैरह हुए आपके एम्पलीफायर हुए सभी चीज़ों का आप वहाँ पर फ्री में सीख सकते हैं बहुत आसानी से तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक का फ्री में काम सीखने के लिए हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए आपका कुछ नहीं है बस आपको बेल आइकन दबाना है और सब्सक्राइब का बटन दबाना है ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा फ्री चार्ज है और वहाँ पर आपको फ्री में काम सीखने के मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से अभी हमने ओपन कर लिया तो जो भी चैनल पर नहीं है यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना बार बार बोलूँगा मैं ये देखिए अभी मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ ध्यान रखना आपको सावधानी से काम करना है यहाँ पर वरना आपके फ़ोन के जो कंपोनेंट्स वग़ैरह है कुछ इसके अंदर वो आपके ख़राब हो सकते ये हैं ये देखिए यहाँ पर अभी मैंने रिमूव कर लिया ये इसका बैक पैनल मैं अलग रख लूँगा ये देखिए यहाँ पर इसको मैं साइड में रख देता हूँ तो आप सभी दे सकते हैं दोस्तों मैं अभी यहाँ पर जो नीचे वाले स्क्रू है वो मेरे रह रहे थे मैं इनको भी यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से निकाल लूँगा इनको ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये भी निकाल लिया और उसकी कंडीशन भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ दोस्तों यहाँ पर काफ़ी गंदी कंडीशन हो रही होगी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है क्योंकि मेरे पास ऐसे कई सारे केस आ चुके हैं ब्लैक स्क्रीन के भी आ चुके हैं मेरे पास ये देखिए और जो भी होता है लाइव बिल्कुल मैं आप सभी के सामने आपको पूरा फुल प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कोई भी फेक वीडियो नहीं होती है जो भी देखिए जो भी आपके सामने है ये देखिए यहाँ पर कार्बन वगैरह लगा हुआ है यानी कि इसके अंदर पानी भी गया हुआ है हल्का हल्का मॉइस्चर दिख रहा है यहाँ पर और ये आप पत्ता रिंगर दे सकते हैं यहाँ पर देखिए ये आपको ब्लू सा दिख रहा होगा यहाँ पर ये कार्बन लगा हुआ है यानी कि ये वाटर डैमेज के निशान होते हैं इससे साफ साफ पता लग जाता है कि फ़ोन वाटर डैमेज है देखिए यहाँ से इसको हम रिमूव कर लेंगे रिमूव करने के बाद एक एक सामान को हम अच्छे से क्लीन करेंगे देखिए यहाँ से ये फोल्डर का जो मर्जी का वो अलग है बैटरी की अलग होगी अब यहाँ से हमें इसको मदरबोर्ड को निकालना होगा और उसके जितने भी कॉम्पोनेंट्स है यहाँ पर इसकी जिक वगैरह है पूरी सब चीज़ ए टू जेड मैं इसको स्टेप टू स्टेप आपको दिखाऊंगा देखिए यहाँ पर बैटरी यहाँ पर दे, दे सकते हैं कार्बन यहाँ भी दे सकते हैं इन कंपोनेंट पे रेजिस्टेंस पे कैमरे के नीचे की साइड भी यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है दोस्तों ब्लू कलर का आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसके म जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिसकी वजह से हमारा बैटरी का के जो कनेक्टर है हमारा मदरबोड पर यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है जिसकी वजह से ये हमारा मोबाइल ऑन नहीं हुआ था तो इसको अच्छे से हम क्लीन करेंगे थिनर की मदद से क्योंकि पानी गया हुआ है और अच्छे से इसको फिर सुखाएंगे अपनी एस मशीन की मदद से अगर आपके पास अगर आप इसको घर ओपन कर रहे हो फ़ोन को अगर आपके पास एस मशीन भी नहीं है एक आपके पास ग्लोवर होता है वो बाल वगैरह सुखाने का हेयर का आप उसकी मदद से भी सुखा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली आपको बस पानी को सोखना है थोड़ा सा ठीक है यहाँ पर आप कंडीशन दे सकते हैं वैसे तो कंडीशन अच्छी लग रही है मदरबोर्ड की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है लेकिन जहाँ पर आप, हमारा पानी गया है मदरबोर्ड पर हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे ज़्यादा थिनर का आप यूज़ नहीं करना है जितना आप हो सके कम से कम यूज़ करना है आपको मदरबोर्ड को गीला करने से इसको भिगोना नहीं है आपको बिल्कुल थिनर में ठीक है तो यहाँ पर देखिए अभी क्या करेंगे हम यहाँ सबसे पहले जो हमारे ये होता है अपना मदर फ्रेम होता है पूरी क्रोम होती है इसको हम एक कपड़े की मदद से और इनकी मदद से इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे देखिए और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं इसकी यहाँ पर कनेक्टर है ये वॉल्यूम के और पावर के इनको भी अच्छे से कर लेंगे क्योंकि मैन यही है हमारे जिनकी मदद से हमारा मोबाइल जो है ऑन होएगा ये देखिए मैं एक एक चीज़ अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ ताकि अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह पानी वगैरह गया हुआ होगा वो सब क्लीन हो जाएगा अब नीचे की साइड से भी मैं स्क्रू खोल लूँगा एक और यहाँ से भी इसको पत्ते को बाहर निकाल लूँगा ये देखिए यहाँ से इस तरह से मैं इसको बाहर निकाल लूँगा आराम से आपको भी इस तरह से निकाल लेना है ये देखिए इसमें भी आया हुआ है आप देख सकते हैं रेड हो रही है यहाँ पर चिट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर माइक वगैरह में आपका थिनर वगैरह ना जाए वरना माइक आपका ख़राब भी हो सकता है ये देखिए यहाँ से भी इस तरह से हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे दोस्तों अगर आप देखोगे तो बहुत आसान है करने के लिए लेकिन सावधानी से करना आपको जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है बहुत अच्छे से अगर आप इसको क्लीन करोगे तो आपको बहुत आसानी से आपका मोबाइल फ्री में घर बैठे ठीक हो सकता है बस अगर आप किसी दुकानदार के पास ले जा करके इसको रिपेयर कराते हो तो सौ डेढ़ सौ रुपये तो उसके सीधे से बनते है। ये हैं ये देखिए यहाँ पर भी मैंने थिनर अपने ब्रश पर लगाया और इसकी जिक वगैरह को अच्छे से साफ़ करूँगी फोल्डर वाली है जो हमारी फोल्डर से होकर के अंदर मदरबोर्ड पर टच होती है इसी तरह से हम बैटरी की भी करेंगे देखिए यहाँ पर बैटरी की हमारे आपको मैंने दिखाई दिया था मदरबोर्ड पे मदरबोर्ड पे भी हमारे बहुत सारे कार्बन लगा हुआ था बैटरी तक गया हुआ था तो उसको भी अच्छे से हम यहाँ पर क्लीन कर लेंगे और ब्रस के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस पर कपड़ा भी मारूँगा दोस्तों ताकि अच्छे से और ये क्लीन हो जाए यहाँ देखिए ब्रूस का काम ख़त्म हो चुका है कपड़े से मैं थोड़ा क्लीन कर लूँगा इसको ताकि जो टाइट मॉइस्चर लगा हुआ होगा वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको साफ़ कर लूंगा उसके बाद इसको साइड में रख देंगे ये हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सुखा दिए ये बिल्कुल ओके हो चुका है ये देखिए बिल्कुल ओके हो चुका है यहाँ पर इसका काम हमारा ख़त्म है तो इसको हम साइड में रख देंगे अब हमारा काम आता है मदरबोर्ड पे अब मदरबोर्ड को हमें अच्छे से क्लीन करना होगा अब देखिए जो मेन चीज़ और बारीक चीज़ है वो हमें यहाँ पर ध्यान देनी होगी ये देखिए ये मैंने थिनर लिया और ये देखिए यहाँ पर अभी मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ यहाँ पर आप इस तरह से आराम से क्लीन कर सकते हैं दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जल्दबाजी आपको इसमें नहीं करनी है क्योंकि अगर आपके इसमें भी एक माइक लगा हुआ तो ऊपर की साइड अगर वो आपका ख़राब हो गया तो आपको दिक्कत हो सकती है ये देखिए कैमरे वगैरह पे भी आपको नहीं मारना है ज़्यादा जहाँ पर आपको मोस्ट लग रहा है आपको वहाँ पर इसका यूज़ करना है तो आप सभी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है और यहाँ पर जो सिमटरे वगैरह है मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से भी क्लीन कर लिया है और यहाँ पर देखिए जो हमारे वॉल्यूम के अप डाउन के यहाँ पर और पावर का था हमारा बटन का जो यहाँ पर तीन हमारे यहाँ पर पिन दी गई थी हमने उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे देखिए मैं ज़्यादा आपको आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मैं इधर उधर ज़्यादा मार नहीं रहा हूँ ब्रश जहाँ पर मैन है वहाँ पर मैं आपको ब्रश से आपको साफ़ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर और देखिए ये वाला हमारा पत्ता है जो बैटरी कनेक्टर वाला है जो सप्लाई देता है अब देखिए यहाँ पर माइक के ऊपर जो माइक लगा हुआ है उसके ऊपर आपको हाथ रख लेना है अंगूठे या उंगली की मदद से चाहे तो आप टेप से भी कवर कर सकते हो और यहाँ पर फिर आपको ब्रश से काम करना है उसके ऊपर ताकि माइक के अंदर थिनर वग़ैरह आपका ना जाए वरना माइक आपका ख़राब हो सकता है दोस्तों इसकी वजह से आपको माइक भी चेंज करना पड़ जाएगा और उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी तो यहाँ पर जैक वगैरह भी आप साथ के साथ अच्छे से क्लीन कर दोगे क्योंकि जो जैक है हमारा अगर एक बार हमने पैक कर दिया मोबाइल फिर जैक अच्छे से हमारा साफ़ नहीं हो पाता है जो उसका कूड़ा अंदर का डस्ट वगैरह वो अंदर ही रह जाती है साफ़ नहीं हो पाता तो जैसा हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे मैंने बिल्कुल जो है एक एक इसके पार्ट्स वगैरह कॉम्प्रेट सभी को अच्छे से क्लीन कर दिया अब हमारी एस मशीन है जो उसकी मदद से हम इसको अच्छे से सुखाएंगे यहाँ सर क्लीन जो हमने करा था सब चीज़ हम हल्की हल्की इस आपको हीटिंग देनी है ज़्यादा नहीं आपको डेढ़ सौ भी आप रख सकते हैं इसका टेम्परेचर अपने एस मशीन का और एयर जो आप अपनी फुल कर दीजिए लेकिन जो आपकी हीटिंग है उसको आपको डेढ़ रखना है कम कर सकते हो डेढ़ से ज़्यादा ना हो क्योंकि ज़्यादा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हमें वाटर जो है अपना थिनर वगैरह से हमने क्लीन करा बस हमें वो सुखाना है ज़्यादा कुछ नहीं करना तो इसलिए डेढ़ सौ रखेंगे ठीक है डेढ़ सौ रखने के बाद एक एक पार्ट्स को हम अच्छे से सुखा लेंगे सुखाने के बाद फिर हम इसको मदरबोर्ड को लगा करके अच्छे से अपन आपको चला करके दिखाएंगे ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सभी चीज़ों पे थोड़ी थोड़ी एयर जो है हीट कर दी है यहाँ पर और देखिए यहाँ पर अभी पत्ता वगैरह हम यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले मैं मदर बोर्ड लगा लेना है ध्यान रखना आपको सावधानी से करना जल्दबाजी नहीं करनी है वरना आपको कुछ ना कुछ आपकी इसमें दिक्कत आ जाएगी जिसकी वजह से आपको कुछ भी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है देखिए यहाँ पर आप कैमरा देख लेंगे कैमरा वगैरह सब सेट है या नहीं और अगर आपको लग रहा है कोई दिक्कत है तो आप मदर को दोबारा निकाल करके अच्छे से लगा लेंगे देखिए यहाँ पर हमारी जो टावर की केबल है वो हमारी अंदर दब चुकी है आप देख पा रहे होंगे मैं इसको अभी निकालूंगा यहाँ से पहले मैं इसको सेट करके देख लेता हूँ ये देखिए ये बिल्कुल ठीक आ रही है तो यहाँ से इसको मैं हटा लूँगा और इसके नीचे नेटवर्क की केबल आ रही थी इसको मैं निकाल लूँगा ये देखिए ये बिल्कुल सेट आ जाए कैमरा आपको देख लेना है कैमरा देखने के बाद जिक लगानी है आपको फोल्डर वाली और यहाँ पर इस तरह से इसको लगा लेना है देखिए ये यहाँ पर लगी हुई थी जो चीज़ जहाँ पर लगी हुई आपको वापस से वहीं लगानी है यहाँ पर देख सकते देखिए ये वाली हमारी चार्जिंग की है जो हमारे नीचे सप्लाई देती है इसको लगा लेंगे नीचे वाला मदरबोर्ड छोटे वाला ही लगा लेंगे ये देखिए ये लगा दे इसकी जिक वगैरह भी लगा लेंगे यहाँ पर और जिक लगाने के बाद इसको हम ओपन करके एक बार चेक कर लेंगे फिलहाल लें यहाँ पर रोकने के लिए एक स्क्रू देख लेंगे हम एक बार स्क्रू कस देंगे हम छोटा सा यहाँ पर ताकि कोई दिक्कत ना हो ध्यान रहे आपको दोस्तों एक चीज़ का और मैं आपको बता देता हूँ जो आप सभी गलती कर देते हैं अब देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने मैंने फ़ोन खोला हुआ है ठीक है अब यहाँ पर अगर हमें लग रहा है कि मदरबोर्ड हमारा रुकने रहे तो आप क्या मैंने आएगा कि मैं यहाँ पर एक स्क्रू लगा दूँ लेकिन आप ऐसा ना करें आपको स्क्रू नहीं लगाना है तो इसको भी हम ओपन कर लेते ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ऑन हो चुका है तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था स्क्रू आपको नहीं लगाना है क्योंकि स्क्रू क्या होता है अगर आप बॉडी को पूरे पे लगाओगे जैसे आपने ओपन करा था अगर आप ऐसे लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर आपका फ़ोन ओपन हो और आप अपने स्क्रू कस रहे हो तो वो आपके फोल्डर में जा कर के लग सकता है क्योंकि वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए आपको स्क्रू ऐसे नहीं कसना है छोटे से छोटा स्क्रू अगर आपके पास कोई पड़ा हुआ हो तो उसको लगा सकते हैं वरना आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है वरना आपका नुकसान भी हो सकता है फोल्डर भी आपका ख़राब हो सकता है तो आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है बिल्कुल ओके हो चुका है जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था ये हमारा फ़ोन जो था ऑन नहीं हो रहा था देखिए टच भी बिल्कुल ओके है काम कर रही है एक बार मैं पैटर्न देख लेता हूँ कुछ ना कुछ क्या पता खुल जाइए लेकिन पता नहीं क्या चली इसको छोड़ देते हैं लेकिन जो भी दिक्कत थी मैंने आपको दिखा दी शुरू में ऑन भी नहीं हुआ था बूट मोड़ में शायद चला गया हो इस वजह से मैंने आपको तीनों बटन भी दबा करके दिखा देते लेकिन फिर भी ऑन नहीं हुआ थे देखिए टच भी बिल्कुल हमारी ओक्कर बिल्कुल प्रॉपर से अच्छे से काम कर रही है तो आप भी इस तरह कर सकते हैं दोस्तों बहुत सिंपल है ये देखिए यहाँ पर टच बिल्कुल जैन काम कर रही है कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर ये देखिए मैं स्टार हैज जीरो हैज जीर। फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री वन टू थ्री ये दबा रहा हूँ बिल्कुल ओके प्रॉपर काम कर रहे हैं मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बैक आ जाता हूँ ये देखिए बिल्कुल ओके है यहाँ पर आप भी इसी तरह कर सकते हैं सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है जैसे मैंने आपको बताया आपको सेम ऐसे करना है प्रोसेस और इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है तो ये वीडियो आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों और इस वीडियो के ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आ, अगर आपका मोबाइल वैसे कोई पानी में गिर चुका है कुछ भी दिक्कत होता है आप मुझे कमेंट जरूर करना आपका रिप्लाई जरूर दूंगा मैं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट में मुझे जरूर बताना दोस्तों और मेरी वीडियो कौन लास्ट तक देखता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना या मेरी इस वीडियो में कुछ भी अगर मेरे से गलती हुई हो तो वो भी जरूर बता देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों जय श्री राम